म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब चलते हैं आपकी जर्नी के स्टार्ट की तरफ। तो ऑफ कोर्स कैसे कब स्टार्ट हुआ आपका ये क्रिकेट का जर्नी? वैसे मैं 2011-12 के करीब मैं जर्नी स्टार्ट हुआ। और मतलब मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब हमारे स्कूल के बच्चे लोग मतलब पूरे क्रिकेट खेलते हैं ज्यादातर, तो उन लोग से बातें करके फिर हमारा जब नया आसाम पे मतलब जब आया था हमारे डिस्ट्रिक्ट पे वुमेन्स का, तब उन्होंने बोला कि तू चालू कर, मतलब अच्छा खेल रही है बॉयज के साथ। मैं ज्यादा बॉयज के साथ बचपन से रहती थी, तो उन लोग बोल रहे कि चलो तुम चालू कर अपना मैच, मतलब क्रिकेट नया नया आया है वुमेन्स का तो तू भी खेल। तो फिर मैं घर पे गई, पहले दिन ही फ्रेंड लोग का था कि हॉस्टल चलेंगे पढ़ने के लिए, तो पहले दिन मैंने बोला कि हॉस्टल जाना है मुझे फ्रेंड्स के साथ। तो भैया ने बोला ठीक है, अगर तू अगर है तो ठीक है, तू अगर हॉस्टल में रहना चाहती है तो ठीक है। फिर पिताजी का था कि तू हॉस्टल जाएगी, हमें याद नहीं करेगी ऐसे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं तू क्रिकेट खेल। फिर मैंने पिछले दिन घर जाके बोला भैया को, भैया क्योंकि भैया बाहर काम करते थे ड्राइवर है ना, तो भैया को मैंने बोला भैया मुझे मतलब क्रिकेट खेलना है। फिर भैया ने बोला कि तू डिसाइड कर ले तुझे खेलना है या पढ़ने जाना है, हॉस्टल जाएगी या तू खेलने जाएगी। मैंने सोचा नहीं कुछ, मैंने बोला सीधा मुझे खेलना है, बस खेलना है। तो बोला ठीक है तो फिर तू कल से जा खेलने जा। तो वहीं से स्टार्ट हो गया जर्नी अपना। आपके मदर ने भी पहले कहीं कहा है कि आप 3 साल की उम्र से ही खेल रहे हैं, तो जब आपको एक स्टिक लेके आप खेलते थे और पोटैटोज आलूज लेके आप खेलते थे उन्हें मारते थे, तो वो कैसा था एट द स्टार्ट जब आपके पास एक बैट भी नहीं था? हाँ मतलब मेरे पास एक्चुअली बचपन से मेरे पास बैट नहीं थे, क्योंकि हम थोड़े लोअर के है ना, तो इतना एफर्ट नहीं कर सकते घर से, मतलब सब लोग खेती करता है, ड्राइवर है भैया लोग, तो इतना एफर्ट तो नहीं कर सकते कि क्रिकेट का बैट इतना कॉस्टली रहता है वैसे भी। तो बचपन में था कि पिताजी हाँ कुछ भी, मतलब बचपन से ये बम्बू का उधर बहुत अच्छा, मतलब बम्बू मिलता है ना, तो उधर से बैट वैट बना के वैसे खेलती थी। तो फिर पिताजी ने एक दिन वो प्लास्टिक का जो बैट होता है ना वो मिलता है सो ऐसे में, तो पिताजी ने वो ला के दिए खेल। फिर मैं जैसे जर्नी स्टार्ट किए तो फिर हमारे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे फर्स्ट था, तो उधर बैट वगैरह आ जाता था, मतलब मतलब स्टेट के उधर से भेज देते थे ना अपने डिस्ट्रिक्ट पे, तो उधर से बस नहीं मतलब मेरे वो जहाँ पे कोच थे, मतलब कोच और कोच के साथ और भी बहुत लोग थे, तो उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प किया। अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता है, मतलब जैसे कि शू वगैरह भी पहले खरीदने में प्रॉब्लम होता था, तो उन्होंने मुझे खरीद के ला के देते थे। और घर से बहुत दूर था ना मेरा, मतलब एक्चुअली मेरा ग्राउंड से घर बहुत दूर था, उन लोग ने मुझे बहुत हेल्प किया कि बचपन से ही जब से मैं क्रिकेट स्टार्ट किए तभी से। बिल्कुल, तो आपने जैसे कहा एक बहुत ज्यादा सपोर्ट था जब ऐसे स्पोर्ट के तरफ जाना जो कि एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत इक्विपमेंट एक्सपेंसिव हो जाता है आपके लिए, एंड उस टाइम पे बहुत सारा सपोर्ट मिला है आपको। एंड आपने ये भी कहा कि आपकी मदर कैसे आपको सपोर्ट करती थी, तो अपने मम्मी के बारे में थोड़ा बताइए, उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया है थ्रू आउट? मतलब क्या था कि मम्मी के बारे में बताती हूँ। मम्मी का मतलब बचपन में बहुत, मतलब बहुत जल्दी, पहले तो बहुत जल्दी शादी हो जाता था, तो उनका भी एक सपना था कि अच्छे से पढ़े हुए मतलब ये सब करना, तो मम्मी का जो सपना था वो नहीं कर पाए। तो मम्मी का अभी ऐसा है कि मतलब मैंने जो नहीं किया ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे ना कर पाए उनका सपने से, उनको दूर नहीं रखना चाहिए, उनको खेलना है तो ठीक है खेलने पे दो, मतलब उनको, मतलब उनका अभी तक भी मेरे पास इतना सपोर्ट है कि मैं अगर मतलब कभी हमारा परफॉर्मेंस नहीं चलता है, कभी एकदम फ्लॉप होता है, क्या होता है, मम्मी का रहता है कि मम्मी को क्रिकेट बिल्कुल नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता, फिर भी वो बोलते हैं कुछ नहीं आज नहीं बना तो क्या हुआ कल बन जाएगा, टेंशन मत ले, लोग का जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो कुछ मत सुन, पॉजिटिव को ठीक है तू रख, नेगेटिव को माथा पे आने मत दे, जितना आएगा उतना तेरा मतलब माथा खराब होगा तो नेक्स्ट मैच के लिए भी प्रिपेयर नहीं हो पाएगी, तो उतना मत सोच। मम्मी का मतलब भले वो क्रिकेट ना जानते हो कुछ भी ना जानते हो, लेकिन मैं कुछ भी बात शेयर करूँ मम्मी के उधर से मतलब पॉजिटिव एक रहता है
तो मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है वो। तो मम्मी तो नेक्स्ट लेवल के है, मम्मी मतलब इतने हार्डवर्क है कि उनका मतलब कुछ भी एक वर्ड भी आए तो मतलब हाँ चल अब तू कर सकती है ऐसा वर्ड। क्रिकेट क्यों, किस एज पे आपने आके डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये स्पोर्ट में आगे बढ़ना है, आई वांट टू प्ले दिस स्पोर्ट? एक्चुअली बचपन से मतलब स्पोर्ट्स मतलब सारे पसंद थे, लेकिन मतलब स्कूल पे जो खेलकूद वगैरह सारा पसंद था, लेकिन क्रिकेट ऐसा मतलब जब मैंने एक्चुअली घर पे टीवी नहीं था तो मैंने क्रिकेट देखा नहीं है, मतलब ऐसे मतलब सर लोग का जैसे माही सर लोग हैं तो मैंने उनका मैच भी नहीं देखा। जब से आईपीएल हुआ मतलब बाद में बहुत लास्ट में मैंने देखा मैच सर का, माही सर और हरमनदीप का, तो मैंने सबका देखा। वैसे मुझे वो दोनों बहुत खास है तो मेरे बहुत फेवरेट है वैसे। तो मैंने जब देखा ना मतलब एक्चुअली मैं 8 साल ऐसे की उम्र से मतलब बचपन से मतलब अब पता चलने लगा था कि मैं खेलूंगी, मतलब अब मुझे क्रिकेट ही खेलना है। और मैंने हरमनदीप का वो मतलब रन उन्होंने किया था 170, मैंने वो देखा, तब से मैंने मतलब हरमनदीप के लिए मैं मतलब अब मुझे हरमनदीप का तरह खेलना है, हरमनदीप की तरह ही खेलना है, माही सर की तरह कीपिंग करना है, मतलब तब से आ गया मतलब मेरे लिए। ऑफ कोर्स तो आपकी विकेट कीपिंग की जर्नी भी उधर से ही चालू हुई महेंद्र सिंह धोनी को देख के। हाँ जो आपका एग्रेसिव नेचर है बैटिंग में, क्या वो भी हरमनप्रीत कौर से आता है आपका? बिल्कुल, उनके शॉट वगैरह, उनका सोचना बैटिंग को लेके या फिर जो भी हो उनका क्रिकेट को लेके सोचना नेक्स्ट लेवल का है उनका। बात करते हैं कि आपने भी बोला कि मुझे पढ़ना है, स्टार्टिंग में आप बोले थे मैं हॉस्टल जा रही हूँ पढ़ने, एंड देन आपने सोचा कि नहीं अब मुझे क्रिकेट ही खेलना है, आपने अपने भैया को बोला, तो आपने बैलेंस कैसे किया अपने एकेडमिक्स और अपने क्रिकेट को? एक्चुअली मतलब मैं स्कूल जाती थी ना तो स्कूल के पास ही मेरे ग्राउंड है तो मैं उधर स्कूल चली जाती थी, और सुबह सुबह मतलब मेरे घर से स्कूल मतलब जो स्कूल और ग्राउंड पास में है तो 8 से 9 किलोमीटर हो जाएंगे, तो सुबह पैदल लोग मैं और मेरे भैया थे तो हम दोनों पैदल ही निकलते थे, तो उधर से पढ़ाई करके सीधा मैं इधर मतलब ग्राउंड पे चली जाती थी और ग्राउंड से सीधे घर जाके 1 से 2 घंटा पढ़ना क्योंकि बहुत थक ही जाती हूँ वहां से वहां तक चलने में, तो ऐसे बैलेंस हो गया बस। एंड हम पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में कि एक क्रिकेट एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, हमें बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए होता है, हम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है टू स्टार्ट ऑफ इन क्रिकेट, तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया, किस किस का सपोर्ट था, आप कैसे आगे बढ़ी इसमें हमें जरा बताइए। हाँ इस पे हमारे सर के बहुत सपोर्ट है, हम मेरे कोच जो राजा सर थे, फिर एक सिंह सर थे मतलब, और अजय सर भी थे, और हमारे उधर पे स्वपनदा थे, तो बोधराज सर थे, तो इन लोग का सपोर्ट बहुत था मेरे ऊपर कि मतलब अच्छी खेलती थी ना तो मतलब सबका सपोर्ट था कि नहीं ये खेलेगी, तो मतलब जो भी मुझे लगे क्रिकेट का सामान से लेकर जो भी, तो सब लोग सपोर्ट करते थे, और अभी तो मैं सर भी थे तो मतलब सब लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि इसको कुछ चाहिए तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसके कमी ना हो जाए। नहीं मतलब जैसे स्टेट खेलना चालू किया तो तब तो मतलब मैच मनी वगैरह मिल ही जाता था, तब तो उधर से मैनेज हो जाता था। एंड ऑफ कोर्स आपने अजय सर का भी नाम लिया, तो उनका सपोर्ट कैसा रहा है, उन्होंने कितना हेल्प किया, आपकी मदर ने भी पहले मेंशन किया उनका नाम कि उन्होंने आपको ऐसे स्काउट किया था, आपको फाइंड आउट किया था एक तरीके से देखा जाए तो कैसा रहा है उनके साथ? हाँ उनके साथ बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जब फर्स्ट जैसे आई थी ग्राउंड पे तो उन्होंने मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने करते हुए देखा था कि टेनिस बॉल से फर्स्ट स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे कैच पकड़ता ये बैटिंग का तो उन्होंने देखा था, तब उनका था कि हाँ ये खेलेगी ये अच्छा खेलेगी, तो उनका अच्छा सपोर्ट था क्योंकि उधर हमारे वहाँ से अजय सर थे ना तो आसाम क्रिकेट के साथ भी वो थे, तो उधर से भी उनका बहुत सपोर्ट था। जैसा कि है कि आप जस्ट सेकंड असामीज प्लेयर हैं जो कि इंडियन टीम में खेल रहे हैं, जब आपको कॉल अप मिला अब बस सेकंड थे आफ्टर ऋतु ध्रुव, तो
क्या ये एक प्रेशर ऐड कर देता है आपके ऊपर कि आप आसाम से बस दूसरी हैं, आप एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं आने वाले क्रिकेटर्स के लिए, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए? एक्चुअली प्रेशर नहीं बोल सकते हैं, मतलब हाँ थोड़ा रहता है कि सब लोग भरोसा कर रहे हैं कि हाँ अभी आसाम से गई है तो मतलब नहीं इसका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बहुत लोग बहुत कुछ भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि आसाम के बाहर भी ऐसे मतलब होते रहता है, जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं थोड़ा मतलब कम मतलब परफॉर्मेंस कम चलने से बोलते हैं, ये अच्छे चलने से भी बोलते हैं, तो पेशर्स नहीं है वैसे, लेकिन हाँ है कहीं एक है कि हाँ मुझे अब करना ही है क्योंकि बहुत सारे लोग का मतलब भरोसा है मेरे ऊपर तो मुझे करना ही होगा, ऐसा तो रहता है। और वो प्राइड कितना रहता है आपके अंदर? वो तो बहुत है। ऑफ कोर्स जब आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बांग्लादेश जैसे कंट्री में जाके, इंडिया से बाहर जाके, तो वो हाँ। एक दूसरे लेवल का हो जाता है जैसे आपने कहा पहले। तो अब एक और असामीज प्लेयर के बारे में बात करते हैं, जिंटी मोनी, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेले अभी WPL में, एंड ऑब्वियसली आप भी हैं इधर जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जो एशियन गेम्स में जाने वाले हैं चाइना। तो अब मुझे बताइए कि असम में वुमेन्स क्रिकेट कितना ग्रो कर रहे हैं, वो कल्चर कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं? अभी अभी तो बहुत ग्रो कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट जिंटी जब IPL खेल रही है, मतलब अभी रिसेंट खेल रही है, तो उसको उनको देख के भी बहुत बच्चे आगे आ रहे हैं। जैसे कि था कि हाँ आसाम के, अब मतलब ऐसा रहता था ना कि हाँ आसाम में तो कोई मतलब IPL नहीं खेल सकता है, इंडिया नहीं खेल सकता है, यह सब सबके मुँह पे रहता ही था। तो अभी ऐसा हो रहा है कि हाँ IPL खेल रहे हैं, इंडिया मतलब इंडिया भी खेल रहे हैं, तो इनको देख के ना और बच्चे आ रहे हैं, और बच्चे निकल के आ रहे हैं कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इन लोग एक स्टेप आगे चल रहे हैं तो हम भी अब आ सकते हैं। तो इन मतलब देख देख के ना बहुत सारे बच्चे अभी निकल के आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल के आ रहे हैं इधर से मतलब आसाम से, तो हाँ अच्छे लेवल के हैं और अच्छे मतलब अच्छे खेलने वाले बच्चे आ रहे हैं, तो ग्रो कर रहा है आसाम। अब उमा छेत्री के लिए फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको क्या चाहिए अपने आप से? मुझे एक्चुअली मुझे वर्ल्ड कप मतलब मेरे लिए वर्ल्ड कप जो आ रहा है, वर्ल्ड कप मुझे मतलब जीतना है पूरे मतलब इंडिया के लिए। हम लोग बहुत सालों से मतलब वर्ल्ड कप के लिए मतलब इतने प्रैक्टिस कर रहे, इतने हार्डवर्क कर रहे, तो मतलब वर्ल्ड कप मतलब अपना कप अपने घर लेके आना है बस। म्यूचुअल फंड है इस मैच की तरह, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे, शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।